लेने के बाद ईडी के अधिकारी सीधे जो राजभवन इस्तीफा देने, पहले वो मुख्यमंत्री थे तो इस्तीफा देने राजभवन साथ पहुंचे थे, और फिर राजभवन के जो दूसरा दरवाजा है वहां से सीधे जो जज कॉलोनी है वहां लेकर गए थे, और उसके बाद ईडी दफ्तर लेकर पहुंचे हैं। तो सीधे तौर पर जो दिन भर आज पूछताछ चल रही थी, और पूछताछ के बाद करीब 7 बजे का वह समय था जब खबर आई कि हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर लिया है और हिरासत में लिया। तो सीधे तौर पर उसके बाद जो वह मुख्यमंत्री के पद पर थे तो सीधे राजभवन तमाम विधायकों के साथ पहुंचे और अपना इस्तीफा दिया, और साथ ही नई सरकार जो बनाने का दावा है चंपई सोरेन जो मंत्री थे उन्होंने पेश किया। लेकिन बात करें तो दिन भर के सियासी हलचल के बीच जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और फिर इस्तीफा होता है और उसके बाद सीधे ईडी दफ्तर लेकर पहुंचते हैं, तो ईडी दफ्तर जैसे ही ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को लेकर पहुंचे तो उसके बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची और मुलाकात करे, और उसके बाद जो महाधिवक्ता झारखंड के वो आए, और फिलहाल मेडिकल की टीम भी अंदर मौजूद है और उनका जो प्रक्रिया होती है हिरासत में लेने के बाद किसी की गिरफ्तारी होती है तो वो पूरी की जा रही है। और जिस तरह से अगर बात करें तो 20 जनवरी को पूछताछ पहली हुई थी इस मामले में, जो जमीन घोटाले का मामला है, 20 जनवरी को करीब 7.5 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी, और उसके बाद फिर दोबारा से 25 जनवरी को समन भेजा गया। तो इनकी ओर से जवाब दिया गया था कि फिलहाल मार्च तक का व्यवस्थित कार्यक्रम है, इस वजह से बस समय नहीं दे सकते। लेकिन फिर 28 तारीख को दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की दबिश हुई, और उसके साथ ही जो हेमंत सोरेन थे वो 2 दिनों तक कहीं दिखे नहीं। लेकिन अगर बात करें कल की तो फिर बापू वाटिका पर वह दिखते हैं, बापू को श्रद्धांजलि देते हैं, और यह पूरे प्रकरण से जो है सियासी हलचल काफी बढ़ी हुई थी। और अगर मामला बताए तो जिस तरह से यह पूरा मामला बड़गाई अंचल से जुड़ा हुआ है, बड़गाई अंचल की जमीन से जुड़े हुए मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जब भानु प्रसाद प्रताप जो राजस्व कर्मचारी हैं बड़गाई के, उनके ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई थी, उसके बाद वहां से दस्तावेज बरामद हुए थे, और वहीं से बस इनके नाम जो थे वो इस जांच में जुड़े, और लगातार समन भेजा गया था। पहला समन 14 अगस्त को भेजा गया, और यह काफी लंबा बीच में इस दौरान हेमंत सोरेन जो थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और कई बार पत्राचार कर ईडी को कहा कि समन गैर कानूनी है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तमाम चीजों पर जो है ईडी ने कड़ा रुख अपनाया और साफ तौर पर कहा था कि आप आइए नहीं तो हम आएंगे। तो आखिरकार 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी और पूछताछ लंबी चली, फिर समन जारी हो गया। तो अब जब गिरफ्तारी हुई है तो फिर जो सियासी हलचल साथ बढ़ा, क्योंकि सूबे के मुखिया थे साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो अब नई सरकार भी बनेगी। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर आई है, तो आपको अगर दिखाए तो ईडी दफ्तर के बाहर तमाम मीडिया कर्मियों के साथ साथ कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए, वज्र वाहन को यहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी तरह के जो कार्यकर्ता है या प्रदर्शनकारी वो ना पहुंचे। और अगर बता दें कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर ईडी दफ्तर की जो बाउंड्री से 100 मीटर की दूरी तक धारा 144 अगले आदेश तक के लिए लगाई गई, आज 10 रात 10 बजे से वह लागू हुई है। तो सीधे तौर पर तमाम चीजों को लेकर पहले से प्रशासन भी भाप रही थी, और यही कारण है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, 2000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था। और अगर बात कर ले कि दिन में जब मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारी पहुंचे तो उससे पहले तमाम जो आला अधिकारी है वो सीएम आवास में पहुंचे, तो उनके साथ मंथन हुआ था, कई बिंदुओं पर हेमंत सोरेन ने चर्चा की थी, और फिर 1 बजे ईडी के अधिकारी पहुंचे। तो इस साथ तो हेमंत सोरेन को भी लग रहा था कि जिस तरह से ईडी लगातार समन भेज रही है तो वह जान रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और तो यही कारण है कि प्लान बी पहले से तैयार कर रखा था, तमाम तैयारियां उनकी ओर से की गई थी। अब फिलहाल देखना होगा कि आखिर जब इन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो क्या रिमांड कितने दिनों के लेते हैं, और क्या आगे पूछताछ होता है तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सहयोगी आदित्य सिंह के साथ समीर द न्यूज़ पोस्ट रांची।